हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल देखिए फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत सुंदर कान्हा जी का ये देखिए कंगूरे वाला ड्रेस लेके आई हूँ देखिए देखने में आपको काफ़ी टफ़ लग रहा होगा लेकिन बनाने में बहुत इजी है और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने ये बाजू के लिए जगह छोड़ी है ये देखिए और ये इस तरीके का हमारा ये कान्हा जी का ड्रेस बन रेडी हुआ है और इसमें आप अंदर की साइड से जो चिट बटन होते हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं तो ये देखिए बहुत सुंदर ये कान्हा जी का ड्रेस बन के रेडी हुआ है और ये तीन से चार नंबर तक के काना जी को ईज़िली आ जाएगा ये देखिए बहुत सुंदर ड्रेस है और देखिए बहुत कम वूल में बन के रेडी हुआ है और बहुत जल्दी बन के ये रेडी हो जाता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं देखिए फ्रेंड्स मैं क्रीम कलर से आपको कान्हा जी का ड्रेस बना के दिखाऊंगी तो देखिए सेम ऐसा ही ड्रेस हम बनाएंगे अगर आप चाहें तो इसे दो कलर्स में भी बना सकते हैं ठीक है जैसे ऊपर वाला पोर्शन आपने अलग कलर का बना लिया और जो इसके जो कंगूरे हैं ये आप अलग कलर से बनाएंगे तो उसका लुक भी बहुत सुंदर लगेगा तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे फंदे डालेंगे तो देखिए फ्रेंड्स हमें फंदे डालने के लिए इसमें क्या करना है इस तरीके से सिंगल धागे में ही हम फंदे डाल लेंगे तो देखिए अट्ठारह फंदे हम इसमें डालेंगे तो देखिए ऐसे जैसे नॉर्मली हम फंदे डालते हैं वैसे हम फंदे डालेंगे और अट्ठारह देखिए फ्रेंड्स हमने ये 18 फंदे डाल लिए हैं अब हमें क्या करना है इस तरीके से सिलाई को हम निकाल लेंगे और ये देखिए ये मैं जब फंदे डालती हूँ तो ये बैक रो फर्स्ट आती है मेरी तो बैक रो को हम क्या करेंगे इस तरीके से उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए देखिए फ्रेंड्स हमारी ये बेसिक रो उल्टा उल्टा बुन के कम्प्लीट हो गई है अब देखिए ये हमारी राइट साइड है अब राइट साइड में हमें क्या करना है इसका हमें जो ये देखिए जो हमने ये गले का बॉर्डर है ये बनाया है तो देखिए हमने ये उल्टा उल्टा बुन के रेडी किया है तो हमें क्या करना है दो लाइंस उल्टी उल्टी बुननी है और देखिए साइड में इस तरीके से चेन ज़रूर निकालेगा जिससे देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा लुक आता है ये देखिए तो चेन निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना है जो फर्स्ट फंदा है उसको इस तरीके से ये देखिए निकाल लेंगे और धागा आगे कर लेंगे तो ये हमारी चेन निकल जाएगी और बाकी रो हमें उल्टा उल्टा, उल्टा के कंप्लीट करनी है और देखिए फ्रेंड्स जो ये लास्ट वाला फंदा है ठीक है इसे धागा बैक साइड करके हम सीधा बुन लेंगे ताकि इस साइड भी हमारी एक सुंदर सी चेन निकले ठीक है अब देखिए बैक रो हमारी फिर से आ गई है अब हमें क्या करना है इस वाले फंदे को हम इस तरीके से स्लिप कर लेंगे और बाकी ये देखिए उल्टा उल्टा भुन के हम बैक रो को कंप्लीट करेंगे देखिए फ्रेंड्स हमारी बैक रो कंप्लीट हो गई है और ये देखिए हमारे जो कान्हा जी का ड्रेस का गला बन के रेडी हो गया है ठीक है अब हमें क्या करना है बाजू बनाने हैं तो बाजू के लिए हमें झाड़ियाँ डालनी है तो देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि आपको फंदे कैसे डिवाइड करना है तो ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ये फ, फर्स्ट वाला फंदा ऐसे उतार लेंगे उसके बाद धागा आगे करेंगे और देखिए दो फंदे जो साइड के बॉर्डर के हैं वो उल्टे बुन लेंगे उसके बाद देखिए हमें क्या करना है जालियाँ डालनी हैं तो देखिए धागा आगे है एक जाली ये डाली फिर से धागा आगे करेंगे ये देखिए दो जाली हो गई दो फंदे हो गए ये तीसरी जाली डालेंगे तीसरा फंदा बुनेंगे फिर देखिए धागा आगे करके चौथी जाली डालेंगे और चौथा फंदा बुनेंगे ऐसे ठीक है तो ये एक बाजू के लिए हमने चार जालियाँ डाल ली हैं ठीक है अब हम बीच में क्या करेंगे ये पीठ वाला पोर्शन है तो इसके लिए हम चार फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन और चार देखिए चार फंदे सीधे हो गए फिर से हम क्या करेंगे धागा आगे करेंगे और चार जाले डालेंगे दूसरे वाली बाजू के लिए ठीक है तो धागा आगे देखिए एक जाली पड़ी एक फंदा बुना ठीक है दूसरी जाली दूसरा फंदा सीधा धागा आगे करेंगे तीसरी जाली तीसरा फंदा सीधा धागा आगे करेंगे चौथी जाली और चौथा फंदा सीधा देखिए चार जालियाँ हमारी इधर हो गई हैं चार इधर ठीक है और बीच में हमारे पीठ के लिए चार फंदे अब देखिए ये साइड वाले बॉर्डर के लिए दो फंदे हैं तो ये हम साइड वाले उल्टे बुन लेंगे ये देखिए एक और दो ठीक है और साइड में चेन है तो इस चेन को हम राइट साइड से हमेशा ही सीधा बुनेंगे ऐसे ये देखिए ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स बैक रूम इस में इसमें हमें क्या करना है सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे बुनने हैं ठीक है तो साइड वाला फंदा हम उतार लेंगे और बाकी फंदे हम उल्टे उल्टे बुन के कंप्लीट कर लेंगे देखिए फ्रेंड्स हमारी बैक रो कंप्लीट हो गई है फिर से राइट रो आ गई है तो देखिए इसमें हमें क्या करना है पहले हम साइड में चेन निकालेंगे इस तरीके से उसके बाद धागा आगे करेंगे और दो फंदे उल्टे ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स ये जाली अब हमें कैसे निकालनी है देखिए धागा बैक साइड करेंगे ये हमारा बड़ा हुआ फंदा है इसे हम सीधा बना लेंगे ऐसे ठीक है फिर से धागा आगे करेंगे और इस वाले फंदे पे हम जाली डालेंगे एक फिर से धागा आगे करेंगे इस वाले फंदे पे हम जाली डालेंगे दो ठीक है ये दो फंदे बड़े हुए हैं तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे ऐसे एक और दो फिर से हम क्या करेंगे इस वाले फंदे पे जाली डालेंगे और इस वाले फंदे पे भी फिर से हम जाली डालेंगे ऐसे ये देखिए ठीक है अब क्या करना है बीच की जो हमारे पीठ के फंदे हैं वो हम सीधे बुन लेंगे दो तीन चार और ये पाँच ठीक है और ये बड़ा हुआ फंदा है इसे हम सीधा बना लेंगे ऐसे उसके बाद देखिए इस वाले फंदे पे हम जाली डालेंगे एक इस वाले फंदे पे भी हम जाली डालेंगे दो अब ये दो फंदे हमें क्या करना है सीधे बुनने ये बड़े हुए फंदे हैं एक और दो ठीक है अब इस वाले फंदे पे फिर से जाली डालेंगे ये देखिए एक फिर से इस वाले फंदे पे जाली डालेंगे ऐसे ये बड़ा हुआ फंदा है इसे हम सीधा बुन लेंगे ऐसे ठीक है और ये दो फंदे बॉर्डर के ये दो फंदे हम उल्टे बुन लेंगे ऐसे उसके बाद ये हमारा लास्ट फंदा है इसे हम राइट साइड से सीधा बुन लेंगे ऐसे देखिए इस तरीके की चेन आएगी अब देखिए फ्रेंड्स फिर से हमारी बैक रो आ गई है बैक रो में हमें क्या करना है उल्टा उल्टा बुन के कम्प्लीट करना है तो देखिए मैं ये बैक रो कम्प्लीट करके आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड्स बैक रो कंप्लीट हो गई फिर से राइट रो आ गई है और देखिए हमारी ये दो जालियाँ निकल गई हैं ठीक है थीक्या? फिर से देखिए हमें क्या करना है देखिए साइड वाला चेन निकालना है इस तरीके से और दो फंदे बॉर्डर के उल्टे बुनने हैं साइड के ये देखिए अब देखिए हमारे यहाँ पे दो फंदे बढ़ गए हैं ठीक है तो धागा बैक करके ये देखिए अब आप आपको ऑटोमेटिकली दिखने लगा है तो देखिए ये दो फंदे हम साइड के सीधे बुन लेंगे अब इस वाले फंदे पर हमें देखिए एक जाली इस वाले फंदे पर दूसरी जाली निकालेंगे और देखिए ये बीच के बड़े हुए फंदे हैं ये हम सीधे बुनेंगे एक दो तीन और चार ठीक है ये देखिए अब इस वाले फंदे पे हम फिर से धागा आगे करके एक जाली डालेंगे और इस वाले फंदे पे दूसरी जाली डालेंगे ऐसे और ये बड़ा हुआ फंदा है ये हम सीधा बुन लेंगे और उसके बाद ये पीठ वाले फंदे हम इस तरीके से सीधे बुन लेंगे तो देखिए दूसरी जाली तक हम इन्हें इस तरीके से सीधे बुनते हुए जाएंगे ये देखिए इस साइड भी हमारे क्या है ये दो फंदे बड़े हुए हैं तो इन्हें भी हम ये देखिए सीधा बुन लेंगे अब ये देखिए आपको ऑटोमेटिकली दिख रहा है तो इस वाले फंदे पे हम देखिए एक जाली डालेंगे फिर दूसरे वाले फंदे पे इस तरीके से दूसरी जाली और ये बीच के बड़े हुए फंदे ये देखिए ये बड़े हुए फंदे हैं चार ये इन्हें हम सीधा बुनेंगे तो ये देखिए एक दो तीन चार ठीक है चार फंदे इस वाले फंदे पे फिर से हम धागा आगे करके एक जाली डालेंगे ये देखिए इस वाले फंदे पे भी धागा आगे करके एक जाली डालेंगे अब देखिए यहाँ पे हमारे दो फंदे बढ़ गए साइड में भी ये दो हम सीधे बुन लेंगे ऐसे और ये देखिए बॉर्डर के दो फंदे उल्टे और साइड में चेन का एक फंदा सीधा ये देखिए देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी तीन चेन आ गई हैं फिर हमारी बैक रो आ गई है तो बैक रो हमारी उल्टी उल्टी बुन के कम्प्लीट होगी देखिए फ्रेंड्स बैक रो कम्प्लीट हो गई है फिर से हमारी राइट रो आ गई है तो फिर से हमें क्या करना है देखिए साइड में चेन निकालेंगे दो फंदे बॉर्डर के बुनेंगे उल्टे उसके बाद देखिए ये फंदे हमारे एक एक फंदे बढ़ते जा रहे हैं तो देखिए अब आप हमारे यहाँ पे क्या हो गया तीन फंदे बढ़ गए हैं तो तीन फंदे हम सीधे बुन लेंगे एक दो तीन तीन फंदे सीधे बुने उसके बाद हम दो जाली डालेंगे ये देखिए एक और धागा आगे करके दूसरी जाली ठीक है अब बीच में भी हमारे फंदे बढ़ चुके हैं तो ये देखिए जाली तक हम फंदे सीधे बुनते जाएंगे एक दो तीन चार पाँच और ये छः ठीक है ये हो गया इस वाले फंदे पे फिर से हम एक जाली डालेंगे फिर से धागा आगे करके इस वाले फंदे पे हम जाली डालेंगे और देखिए जितने भी फंदे हमारे बढ़ते हुए जा रहे हैं वो हम बुन लेंगे बीच के पीठ वाले फंदे सीधे बुन लेंगे ये देखिए इस तरीके से ये बड़े हुए फंदे भी हम सीधे बुन लेंगे अब देखिए ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि जो हमारा इस तरीके का फंदा है इसी पर हमने जाली डालनी है देखिए एक जाली फिर धागा आगे करेंगे दूसरी जाली ठीक है बी बीच के फंदे जो बड़े हुए हैं वो सीधे बुन लेंगे ये देखिए फिर से इस वाले फंदे पे जाली डालेंगे तो धागा आगे करके एक जाली फिर से धागा आगे करेंगे दूसरी जाली ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे एक दो तीन फंदे हैं ये देखिए एक दो तीन फंदे लास्ट में बॉर्डर के दो फंदे उल्टे और चेन का एक फंदा धागा बैक करके सीधा बुन लेंगे ऐसे ठीक है तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारी बैक रो आ गई है बैक रो हमें क्या करना है उल्टा उल्टा बुन के कम्प्लीट करना है देखिए फ्रेंड्स बैक रो कम्प्लीट हो गई है फिर से हमारी राइट रो आ गई है और देखिए इस तरीके से आप जालियाँ काउंट कर लीजिए देखिए एक दो तीन और चार चार जालियाँ हमारी बन के रेडी हो गई हैं तो देखिए फ्रेंड्स अब हमें बाजू की घटाई करनी है तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले ये देखिए चेन निकालेंगे लेंगे यहाँ पर साइड में और दो फंदे हम उल्टे बुन लेंगे ऐसे ठीक है उसके बाद धागा बैक करेंगे और देखिए हमें यहाँ तक फंदे बुन लेने हैं जो हमारी ये चेन दिख रही हैं तो चेन तक हमारे दो चार और एक पाँच ठीक है पाँच है अगर आप शुरू से काउंट करेंगे तो आठ फंदे हैं तो इन्हें आप साइड में रख के ये पाँच फंदे ही सीधे बुन लीजिए ठीक है तो देखिए एक दो तीन चार और पाँच देखिए पाँच फंदे हमारे ये सीधे हो गए यहाँ तक ठीक है उसके बाद हमें क्या करना है आ, जो ये काना जी के बाजू हैं इसकी घटाई करनी है तो घटाई करने के लिए देखिए हमें क्या करना है इस तरीके से ये देखिए दो का एक 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 फंदा घट गया दो फंदा घट गया तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ ये देखिए फ्रेंड्स ये नौ फंदे हमारे घट गए देखिए इस जाली से लेके इस जाली तक ठीक है नौ फंदे हमारे बाजू के घट गए हैं अब देखिए हमें क्या करना है अब ये जो बैक पीठ में जो फंदे हैं वो हम काउंट करेंगे तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह देखिए चौदह फंदे हो रहे हैं हमारे ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे चौदह फंदे हो रहे पीठ में ठीक है अब हमें क्या करना है यहाँ से फंदे घटाने हैं यहाँ तक जितने हमने यहाँ पे कटाए थे नौ फंदे तो ठीक है तो नौ फंदे हम घटाते हैं ये देखिए इस तरीके से एक ये दूसरी बाजू है ये देखिए दो तीन चार पांच छ सात आठ और एक नौ ये देखिए नौ फंदे हो गए ठीक है अब हमें क्या करना है ये साइड वाले फंदे बुनने हैं तो देखिए एक दो तीन चार पाँच ठीक है शुरू में भी हमारे पांच फंदे थे अब देखिए धागा आगे करेंगे ये दो फंदे हमारे बॉर्डर के हो गए और लास्ट वाला सीधा बुन लेंगे चेन का फंदा ये देखिए अब देखिए फ्रेंड्स अब हमारी बैक रो आ गई है तो देखिए बैक रो हमें उल्टा उल्टा बुन के ही रेडी करना है और जो बाजू है ये भी हमें जॉइंट करनी है तो देखिए कैसे करेंगे ये साइड वाला फंदा उतार लेंगे उसके बाद देखिए ये सारे फंदे हम इस तरीके से उल्टे बुनते हुए जाएंगे ये देखिए यहाँ पे हमने उल्टा बुना अब हमें इसको यहाँ पे ज्वाइंट करना है तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम टाइट से इसे बुन लेंगे यहीं पे इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे काना जी की बाजू इजीली आ जाएगी तो ऐसे ही हम ये रोको उल्टा उल्टा बुन के कम्प्लीट करेंगे और सेकेंड वाली जो बाजू है उसे भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे ये देखिए देखिए फ्रेंड्स अगर आपको कान्हा जी का ड्रेस का वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा देखिए बहुत इजी है बिगिनर्स भी इसे इजीली बना सकते हैं ये देखिए इस तरीके से हम इसे जॉइंट कर लेंगे सेकंड वाले बाजू को और बाकी फंदे हम इस तरीके से उल्टे उल्टे बुन उल्ट के कम्प्लीट कर लेंगे देखिए फ्रेंड्स अगर आपको जो भी कलर पसंद है आप दो कलर्स का भी इसे ईजीली बना सकते हैं बहुत सुंदर लगता है ये देखिए बैक रो कम्प्लीट हो गई है और ये देखिए इस तरीके का लुक इन बाजू का आ रहा है ये देखिए अब हमें क्या करना है देखिए फ्रेंड्स हमने ये यह यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है ये देखिए ठीक है अब हमें क्या करना है राइट साइड से इसे उल्टा उल्टा बुन के रेडी करना है ये देखिए ये वाला पोर्शन है तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप जैसे मैंने यहाँ पे चार सिलाइयाँ बुन के रेडी किया है आप चाहें तो छह सिलाइयाँ भी यहाँ पे बुन सकते हैं ठीक है तो देखिए फ्रेंड्स मैं इसे बुन के रेडी करती हूँ तो देखिए इस तरीके से साइड में चेन ज़रूर निकालनी है और धागा आगे करके देखिए इस तरीके से उल्टा उल्टा बुन के इसे कम्प्लीट करना है तो देखिए राइट साइड से भी उल्टा रॉन्ग साइड से उल्टा फिर राइट right साइड से उल्टा फिर रॉन्ग साइड से उल्टा ऐसे बुनते हुए हमें इसकी चार लाइंस कंप्लीट करनी है तो देखिए फ्रेंड्स ये उल्टा उल्टा ही है बिल्कुल इजी है तो मैं आपको ये चार लाइंस कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आगे इसके क्या करना है देखिए फ्रेंड्स हमारी ये चार लाइन्स कम्प्लीट हो गई हैं फिर से हमारी राइट रो आ गई है तो देखिए राइट रो में हम क्या करेंगे सबसे पहले साइड में चेन निकालेंगे और दो फंदे हम बॉर्डर के उल्टे बुन लेंगे ऐसे अब हमें क्या करना है फंदे बढ़ाने हैं तो हमें क्या करना है हर आ, फंदे पे फंदा बढ़ाना है तो इसके लिए क्या करना है देखिए दो फंदे हमने उल्टे बुन लिए अब धागा हमारा आगे रहेगा और ये देखिए एक फंदा सीधा फिर से धागा आगे एक फंदा सीधा फिर से धागा आगे करेंगे एक फंदा सीधा धागा आगे एक फंदा सीधा तो देखिए एक एक जाली हमारी यहाँ पे पड़ती जा रही है तो ऐसा हमें पूरी रो में करना है ठीक है ये देखिए एक सीधा धागा आगे फिर एक सीधा धागा आगे एक सीधा तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही हमें ये रो कंप्लीट करनी है देखिए फ्रेंड्स अब ये दो फंदे हमारे बॉर्डर के हैं तो यहाँ धागा आगे करके हम दो फंदे उल्टे बुन लेंगे और ये साइड वाला चेन वाला फंदा सीधा ये देखिए इस तरीके की चेन आएगी ठीक है अब फिर से हमारी बैक रो आ गई है तो बैक रो में हमें क्या करना है सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन के रेडी करने हैं तो देखिए जो भी हमारे बड़े हुए फंदे हैं वो भी हमें उल्टे बुनने हैं वो आपको ऑटोमेटिकली दिखने लगेंगे ये देखिए इस तरीके का बड़ा फंदा होगा इससे उल्टा बुन लेंगे ऐसे ये देखिए इस तरीके से तो ठीक है तो ऐसे हमें क्या करना है ये बैक रो कंप्लीट करनी है, है. देखिए फ्रेंड्स फिर से हमारी राइट रो आ गई है और फिर से हमें क्या करना है देखिए साइड वाला फंदा हम इस तरीके से स्लिप कर लेंगे धागा आगे दो फंदे बॉर्डर के उल्टे उसके बाद देखिए फिर से हमें क्या करना है हर फंदे पे एक एक फंदा बढ़ाना है तो धागा आगे एक फंदा सीधा ठीक है धागा आगे फिर से एक फंदा सीधा धागा आगे फिर से एक फंदा सीधा धागा आगे फिर से एक फंदा सीधा फिर से धागा आगे, फिर से एक फंदा सीधा तो ऐसे ही हमें ये रो कंप्लीट करनी है देखिए लास्ट में ये हमें बॉर्डर के दो फंदे उल्टे बुनने और चेन का फंदा सीधा बुनना है ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे दो लाइंस में हमने फंदे बढ़ा लिए हैं और देखिए अब बैक रो आ गई है बैक रो हमें क्या करना है इस तरीके से उल्टा उल्टा बुन के रेडी करना है देखिए फ्रेंड्स हमारी बैक रो कंप्लीट हो गई है और देखिए इस तरीके का हमारा ये पोर्शन बन के रेडी हो गया है और इसमें अभी 110 फंदे बढ़ गए हैं ठीक है तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ तक बना के रेडी कर लिया है ये यह देखिए यहाँ तक हमारा बन के रेडी हो गया है अब हमें क्या करना है ये वाला पोर्शन बुनना है तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह लाइन्स मैंने ये बना के रेडी किया है देख तो देखिए तो दोनों साइड से क्या करना है राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा बुनते हुए इसकी जो लेंथ है वो कम्प्लीट करनी है तो देखिए मैं इसे कम्प्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड्स हमारी बारह लाइन्स कम्प्लीट हो गई हैं ठीक है आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं अब हमें क्या करना है देखिए ये वाला पोर्शन बुनना है तो देखिए यहाँ पे जो आपको लाइंस दिख रही हैं ये ये हमारी चार लाइंस हैं राइट right साइड से भी उल्टा बुना है और रॉन्ग साइड से भी उल्टा बुन के हमने इसे रेडी किया है तो देखिए अब हमें क्या करना है अब हमें साइड में इस तरीके से चेन निकालते हुए उल्टा उल्टा बुन के इसका जो है बॉर्डर रेडी करना है ये देखिए इस तरीके से तो चार लाइंस का बॉर्डर कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड्स हमारा ही बॉर्डर बन के रेडी हो गया है ये देखिए अब हमें क्या करना है अब हमें ये कंगूरे बनाने हैं ठीक है ठीके? तो देखिए कंगूरे आप कैसे बनाएंगे अपने हिसाब से आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने इस वाले में छः छः फंदों का कंगूरा बनाया है ठीक है तो अब फंदों के हिसाब से आप देख लीजिए तो मेरे इसमें एक फंदे हैं तो एक फंदे के हिसाब से मैं इसमें सात सात फंदों का कंगूरा बनाऊँगी ठीक है तो देखिए कैसे बनाना है देखिए मैं आपको फर्स्ट वाला बना के दिखाऊंगी क्योंकि इतने सारे बनाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा तो मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ किस तरीके से बनेंगे तो देखिए तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है ये देखिए पहले हम इस तरीके से देखिए साइड वाला इस तरीके से फंदा उतारा हमने उसके बाद देखिए ये अब हम उल्टे उल्टे फंदे बुनते ही हुए ही इसे कंप्लीट करेंगे तो देखिए एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया ऐसे ठीक है अब फिर हमें क्या करना है इस तरीके से ये देखिए यहीं से हमको अपनी रो पलटनी है उसके बाद देखिए फ्रेंड्स इस साइड वाला फंदा हमेशा हमें इस तरीके से स्लिप करना है जिससे कि ये देखिए इस तरीके का लुक आएगा ठीक है ये चेन आएगी तो देखिए इस तरीके से हमने स्लिप कर लिया ये आप ध्यान से देखिए उसके बाद धागा आगे करेंगे देखिए फर्स्ट वाला फंदा उल्टा बुन लेंगे ऐसे ठीक है फिर से पहला जो फंदा है इस चेन को ज़रूर निकालना है साइड में इस तरीके से निकालेंगे अब धागा आगे करेंगे देखिए एक फंदा हमने ये बुन लिया अब हम इधर से एक फंदा लेंगे ऐसे ठीक है एक एक फंदा हमें इधर से लेते हुए जाना है देखिए अभी जैसे हमारे यहाँ पे दो फंदे हो गए तो अभी हम सात फंदे और लेंगे ठीक है सॉरी दो फंदे हो गए तो पांच फंदे हम और लेंगे क्योंकि हम सात फंदों का कंगूरा बना रहे हैं ठीक है तो फिर से ये एक फंदा बुना फिर हमें अपनी रो को टर्न करना है ऐसे और देखिए साइड में चेन इस तरीके से निकालनी है धागा आगे करेंगे बैक साइड से दो फंदे हम इस तरीके से उल्टे बुन लेंगे ये देखिए फिर से हमें रो टर्न करनी है उसके बाद देखिए फिर से क्या करेंगे देखिए साइड में इस तरीके से चेन निकालेंगे देखिए एक दो देखिए दो फंदे अब एक फंदा और ले लेंगे ले हम यहाँ से ये देखिए तीन फंदे ठीक है तीन फंदे हो गए फिर से हमें रो को टर्न करना है ऐसे उसके बाद ये फंदा हम इस तरीके से ये देखिए स्लीप करेंगे धागा आगे करेंगे फिर एक दो तीन तीन फंदे ये हो गए फिर से हम रो टर्न करेंगे और देखिए यहाँ से हम ये फंदा इस तरीके से स्लीप करेंगे धागा आगे करेंगे देखिए एक दो तीन अब एक फंदा हम यहाँ से फिर ले लेंगे चार ठीक है चार हो गए फिर से रो को टर्न करेंगे ऐसे उसके बाद देखिए जो फंदा टर्न करके हम लेके आएंगे उसे हमें इस तरीके से स्लिप करना है ठीक है ताकि हमारी साइड में जो चेन है वो अच्छे रंग से निकले तो ये देखिए उसके बाद ये फंदे हम बैक साइड से उल्टे बुनते हुए आएंगे ऐसे फिर से हमारी राइट रो आ गई है देखिए साइड वाली चेन हम इस तरीके से निकालेंगे फिर धागा आगे करेंगे ये देखिए एक दो तीन चार अब एक फंदा हमें और बढ़ाना है पाँच देखिए फंदा हमें राइट साइड से बढ़ाना है ठीक है फिर देखिए बैक करेंगे साइड वाली चेन इस तरीके से निकालेंगे धागा आगे करेंगे फिर से देखिए जितने फंदे हमारे आगे हैं वो हम उल्टे में बुन लेंगे एक दो तीन चार पाँच उल्टे हो गए फिर से रो टर्न करेंगे ये देखिए साइड में चेन निकालेंगे धागा आगे करेंगे एक दो तीन चार पाँच और ये छः ठीक है देखिए पहले हमारे पास यहाँ पे एक भी फंदे नहीं थे बढ़ते बढ़ते छः फंदे हो गए फिर से रो टर्न करेंगे ये देखिए साइड वाला फंदा स्लिप करेंगे और ये एक दो तीन चार पाँच छः छः फंदे हमने बुन लिए फिर से रो टर्न करेंगे साइड में चेन निकालेंगे फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच छः और ये देखिए सात ठीक है देखिए हम सात फंदों का कंगूरा बना रहे हैं, तो हमारे सात फंदे यहाँ पे हो गए हैं फिर से हम रोड टर्न करेंगे ऐसे उसके बाद ये देखिए साइड में चेन निकालेंगे धागा आगे करेंगे बैक रो हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे ये देखिए आप देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है देखिए यहाँ पे हमें काउंट करने देखिए इस ये फ़ंदा हमारा अलग रहेगा ठीक है हम जो जो फंदे हम इधर से लेके आएंगे वही हम काउंट करेंगे तीन छः और ये ये सात ठीक है अब हमें क्या करना है इस तरीके से इस वाले फंदे को इस तरीके से करेंगे और हमें ये फंदे घटा लेने हैं ऐसे ये देखिए एक मतलब जो भी फंदे हमारे यहाँ पर आए हैं वो सब फंदे हम सात फंदे इस तरीके से घटा लेंगे ये देखिए बैक साइड को और ज़्यादा ढीले भी आपको ये नहीं घटाने हैं ठीक है इस तरीके से आप ये फंदे घटा लेंगे ये देखिए बहुत सुंदर कान्हा जी का ड्रेस बन के रेडी होता है आप चाहे तो अपने छोटे बेबी के लिए भी ये इस तरीके से ड्रेस बना सकते हैं वो भी इजीली बन जाता है ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स एक कंगूरा हमारा बन के रेडी हो गया है ये देखिए ठीक है अब हमें क्या करना है देखिए अब हमारा फिर से एक फंदा आ गया अब हमें क्या करना है इस तरीके से धागा आगे करेंगे ठीक है एक कंगूरा बनके रेडी हो गया है साइड वाला ऐसे ही हम सारे बनाएंगे तो मैं आपको एक बार और बताती हूँ देखिए जैसे हमारे यहाँ पे सारे फंदे हमने घटा लिए तो एक फंदा हमारा बचेगा तो तभी मैंने आपसे बोला था कि ये फंदा हम काउंट नहीं करेंगे ठीक है हम यहाँ से सात फंदे और लेंगे ठीक है तो अभी एक फंदा आ गया धागा आगे करेंगे एक फंदा हम यहाँ से इस तरीके से ले लेंगे एक लिया फिर से जैसी मैंने अभी तक आपको बताया वैसे ही करेंगे देखिए फिर हम रोड को टर्न करेंगे और साइड वाले फंदे को देखिए हम अगर साइड वाले फंदे को इस तरीके से निकालेंगे तो यहाँ से देखिए इस तरीके की चेन बन के रेडी होगी ठीक है ये देखिए मैं इसमें आपको दिखाती हूँ ये देखिए साइड में चेन निकालेंगे तो इसका लुक बहुत सुंदर लगेगा ये देखिए इस तरीके का ठीक है तो फिर से हमें क्या करना है ये देखिए इस तरीके से चेन निकालेंगे फिर ये फंदा हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे फिर से रोक को टर्न करेंगे ये देखिए धागा आगे एक फंदा ये हो गया दूसरा फंदा हम ऐसे बढ़ा लेंगे ठीक है फिर से रो को टर्न करेंगे साइड वाली चेन ज़रूर निकालेंगे धागा आगे करेंगे और ये देखिए एक दो फंदे उल्टे बुन लेंगे फिर से रो टर्न करेंगे चेन निकालेंगे साइड में इस तरीके से ये देखिए एक दो अब यहाँ पे राइट साइड से तीसरा फंदा उठा लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स इस वाले को आप देख लीजिएगा मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको बताया है तो ऐसे ही हमें ये जितने भी फंदे हैं इन सब में कंगूरे बनाने है देखिए एक दो फंदे कम ज़्यादा हो जाएंगे तो उससे हमें हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ऐसे ही मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड्स कान्हा जी का कंगूरे वाला ड्रेस बन के रेडी हो गया है देखिए लास्ट में जैसे आप फंदे घटाते हुए जाएंगे तो लास्ट में जैसे आपके दो तीन फंदे एक्स्ट्रा भी हैं तो यहाँ पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो आप जितने भी फंदे हैं वो आप उसी तरीके से बुनते हुए जाइएगा तो इस तरीके का बन जाएगा ठीक है उसके बाद ये वाले पार्ट को हम नीचे रख लेंगे ठीक है और इसको ऊपर तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे चिट बटन लगाने अंदर की साइड से आप इसमें चिट बटन लगा लीजिए देखिए एक यहाँ पे लगा लेंगे एक यहाँ पर और एक यहाँ पे देखिए तीन बटन आप इसमें लगा लीजिए और बाहर से अगर आपको शो के लिए चाहिए तो आप, आप बाहर से भी लगा सकते हैं और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप मोती भी लगा सकते हैं देखिए एक एक अंगूर के ऊपर एक एक मोती लगाएंगे तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा और देखिए ये चार नंबर के काना जी के लिए और ये तीन नंबर के कानाजी पे फिट आएगा देखिए फंदे दोनों में सेम है ठीक है ऊपर से दोनों में सेम फंदे डाले हमने और बस जैसे मैंने यहाँ पे आपको फंदे बढ़ाना बताया था जैसे हमने दो लाइन्स में हर फंदे के बाद एक एक फंदा बढ़ाया था दो लाइन्स में ठीक है यहाँ पर हमने क्या किया पहली लाइन में तो हर फंदे के बाद हमने फंदा बढ़ाया और जो सेकेंड लाइन थी उसमें क्या किया हमने ये देखिए आपको दिख रहे होंगे दो फंदे के बाद फिर एक फंदा बढ़ाए दो के बाद एक ठीक है तो ऐसे बढ़ाते हुए इस वाली जो हमारा ड्रेस है इसमें एटी फंदे हैं ये नीचे और इसमें एक सौ दस फंदे हैं तो इसके हिसाब से भी आप छोटे बड़े काना जी हैं तो उनके लिए ऐसा ड्रेस बना के रेडी कर सकते हैं देखिए बहुत सुंदर ड्रेस है आप इसे दो कलर से भी बना सकते हैं दो कलर में भी ये बहुत सुंदर लगता है और अगर आपके घर में छोटा बेबी है तो आप बेबी के लिए भी ऐसे ही ड्रेस बना सकते हैं वो भी आप इजीली बना सकते हैं ठीक है और ये कंगूरे देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं और मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको यहाँ पे बनाना बताया है वैसे ही हमने ये सारे बना के रेडी किए हैं तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपको ये कानन जी का ड्रेस पसंद आया मेरे बताने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेलाइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे थैंक यू